दोस्तों, दुनिया में प्यार सभी करते हैं, लेकिन प्यार की परिभाषा हर किसी इंसान के लिए एक सी तो बिल्कुल नहीं होती। हर किसी के लिए चॉकलेट्स और गिफ्ट्स ही प्यार की निशानी बिल्कुल नहीं होते। कुछ लोग तो मानो एक अनानास से भी खुश हो जाते हैं। हर किसी के लिए घर वालों की हर बात मानना और समाज के तरीके से चलना बिल्कुल सही नहीं होता। कुछ लोग या कुछ प्रेमी अपना रास्ता खुद ब खुद बनाते हैं। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उनकी स्किन का रंग, उनकी जात और उनकी सतही चीजों को बिल्कुल नहीं देखते, क्योंकि प्यार इन सबसे बड़ा माना गया होता है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में। इसी तरीके से हर किसी की प्रेम कहानी कॉलेज के कॉरिडोर से शुरू नहीं होती। कुछ लोग अपनी डेस्टिनेशन पर जाते हुए फ्लाइट्स में भी कभी भी किसी से मिल जाते हैं। कुछ मुलाकात पार्टियों में होती है तो कुछ साल पहले बिछड़ने के बाद फिर से मिल जाते हैं, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन सच तो वाकई ये है, जिंदगी में सिर्फ प्यार ही काफी बिल्कुल नहीं होता। प्यार के अलावा दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं, चुनौतियां हैं, जिनका सामना हम सभी को करना ही पड़ता है। और जिंदगी की मुश्किलों के सामने डटकर खड़े होने के लिए बिना किसी शर्त जो हाथ हमारा थामे रहे, बस इन्हीं गहरी बातों को मिलकर बनी है शोभिता धुनीपाला और अर्जुन माथुर की वेब सीरीज मेड इन हेवन 2। वैसे शो की कहानी के बारे में बात करूं तो शो वहीं से शुरुआत हो जाती है जहां पहला सीजन खत्म होता था। पहले सीजन के अंत में तारा खन्ना यानी शोभिता धुनीपाला अपने पति आदिल खन्ना को बताती हैं कि उनके धोखे से शादी की गई। वहीं तारा का बिजनेस पार्टनर करण मेहरा आगे की शुरुआत करता है। सीजन की शुरुआत के बाद हम सबके 6 महीने के बाद होती है। तारा और करण सब एक घर में एक साथ रह रहे होते हैं। तारा का तलाक होता है। पूरी कहानी नहीं बताऊंगा वरना इस सीरीज का मजा थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। वैसे परफॉर्मेंस की बात करें, मेड इन हेवन 2 में सब कुछ गहरा होने के साथ साथ थोड़ा सुंदर भी दिखलाई देगा। शो की प्रोडक्शन टीम, हेयर एंड मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने तो कमाल किया है। इसका सेट डिजाइन काफी कमाल का है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो शोभिता धुनीपाला ने बेहतरीन काम किया है, अर्जुन माथुर ने कमाल किया है और मोना सिंह को आप शो में देखेंगे, जिस शो की बात करें जब ये सीन आता है तो उसे अपना बना लेती है। शशांक अरोड़ा जैसे न जाने कितने कलाकार हैं। वैसे देखा जाए तो इस पूरी के पूरी फिल्म या पूरी सीरीज को देखने का बेसिकली मुझे भी इंतजार है। उसके बारे में बहुत सारी जो जानकारियां होगी वो भी हम आप तक आगे पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी इस मेहनत के लिए अगर आपको लगता है कि मेड इन हेवन 2 आपको देखने के बाद कैसी लगनी या फिर आप देखने के लिए कितना एक्साइटेड, अपने विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। वैसे मेरी मेहनत के साथ साथ अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसे जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।